हम देखो छह बहन भाई, किसी की इज्जत नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे करने जिसने सबसे पहले घड़ी बनाई थी उसने टाइम कहाँ से देखा? कमाल अंकल जी, दसो जरा। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची और क्यूट सी लड़की कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईशा। ईशा, क्या करती है आप? कुछ भी स्टडी कुछ भी नहीं करती भाई। स्टडी करना कोई काम नहीं लगता आपको? लगता है। कितना मुश्किल है स्टडी करना? बहुत इजी है। उधर देखिए सामने, इजी है जी। आपको पता है ये पहला बच्चा मुझे पाकिस्तानी मिला जो कह रहा है स्टडी बहुत आसान है। वरना तो ऐसे वाले ही मिलते हैं कि जिसने स्टडी जॉब की है वो मिल जाए एक दफा बंदा। बस इजी है स्टडी, अभी तो आगे जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा फिर पता चलेगा। कौन सी क्लास में है? सेवन में। अच्छा, क्या बनना है आगे ईशा? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है भाई, कौन सी डॉक्टर बनना है ये अभी कोई नहीं। पर फिर भी एक होगा ना पॉइंट में कि यार हार्ट की डॉक्टर बनना है, दिमाग की डॉक्टर बनना है। किसका दिमाग ठिकाने पे लगाना चाहती है आप? किसी का भी नहीं। कोई तो होगा, कोई फैमिली में, कोई दोस्त, कोई कजन, कोई भी रिश्तेदार? नहीं, कोई भी नहीं। सारे रिश्तेदार पसंद है? ये तो झूठ बोल रही होगी आप। नहीं सर। सही है। अच्छा ईशा, छोटी सी है आप, आपने रेड लिपस्टिक, मैं बोलूंगी लिपस्टिक लगाई हुई है तो इतनी क्यूट लग रही है वैसे तो ये, लेकिन रेड लिपस्टिक किसके कहने पे लगाई? आप ही के कहने पे। आप ही के कहने पे। आप ही ने कौन सा कलर लगाया? आप ही ने मेहरून कलर लगाया। अच्छा जी, एक ने मैरून लगाया, एक ने रेड लगाया, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं कि घर में किससे सबसे ज्यादा डांट और क्यों पड़ती है आपको, किस बात पे? घर में डांट तो किसी से वजह से भी नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। आप क्या इकलौती बहन है? यस। वाकई में? यस। इकलौता पीस है? बस एक भाई है छोटा। एक भाई है, यही तो यार मजे है ना जिंदगी में। हम देखो छह बहन भाई, किसी की इज्जत नहीं। अच्छा ईशा मुझे बताओ कि कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर, कोई गाना शायरी कर लेती है आप? नहीं, मुझे शायरी का भी शौक नहीं है और नाक भी खा रहे हैं। पोएम आती है कोई? हाँ बताओ ना, बच्चों से बच्चों वाले सवाल पूछूंगी ना। आती है। पोएम सुनाए कोई अपनी फेवरेट सी। सुनाए, इट्स ओके। जरा आपके छोटे से बचपन में वापस जाते हैं। मजेदार सी पोएम सुनाए। पोएम से इतनी ज्यादा, काफी ज्यादा। कोई भी अपनी, ट्विंकल ट्विंकल के अलावा सुनाना, जिस बच्चे को पकड़ो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आप सुनाए कोई अच्छी सी। अच्छी सी अभी मेरे जहन में कोई नहीं आ रही। हमारी कैसे बच्चे हैं जिनको बच्चों वाले सवाल पूछो उनको वही नहीं आ रही। मुझे बताए आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे करने मतलब मम्मा से आया है, बाबा से आई है खूबसूरती, कि बस अल्लाह ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ मॉइस्चराइजर लगा दिया था आपको? मेरी मामा भी मेरे जैसी है, सेम सेम डिटो। कहाँ है आपकी मामा? मेरी मामा वो दूसरी साइड पे बैठी हुई। आपको इधर छोड़ दिया? नहीं, मैं आप ही के साथ हूँ। अगर कोई आपको उठा के ले गया तो? आप ही के साथ आए। नहीं, अगर कभी आपको कोई उठा के ले जाता आप कैसे बताएगा ये उठाने के चक्कर में है, कैसे बच के आएंगी? अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट अगर हो जाता पकड़े जाना पकड़े। नहीं तो कोई हाथ पो नहीं मारेंगे? कोई कराटे सीखे आप, कोई लड़ सके आप? लड़ने लड़ नहीं सकती आप? अल्लाह जी चेक करो यार, बच्ची लड़ भी नहीं सकती आप। मुझे बताओ कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? साइंस। साइंस, ये मुझे पाकिस्तानी बच्ची नहीं लग रही, ये मुझे लग रहा है कुछ अलग प्लानर से आई हुई है। साइंस अर्थ पे आपका कोई काम नहीं लगता मुझे। आपको वो साइंस वो क्या कहते हैं जी, क्या होना चाहिए था जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्या कहते हैं उनको? हाँ वो होना चाहिए था आपको। मुझे ये बताएं जिसने सबसे पहले घड़ी बनाई थी, जिसने इजाद की थी घड़ी, उसने टाइम कहाँ से देखा था? ये मुझे भी यार इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, जिसने घड़ी बनाई थी उसने कहाँ से टाइम देखा होगा? सवाल अंकल जी दसो जरा, तुसी दसो मैनू। एक मिनट के लिए कैमरा घुमाना। अगर भागना ना अंकल, भागना ना। चल आजा आजा वापिस, आजा वापिस आजा। बड़े मजे से सुनने थे, मैंने कहा इनको तो पहले भगाओ, सवाल पूछा भाग गए। नहीं पता? नहीं, इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी और से पूछेंगे ये वाला सवाल। ओके मुझे ये बताएं, घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो जाए, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटनर खराब हो जाए, ड्रायर खराब हो जाए, इस्त्री खराब हो जाए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज खराब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी माए ये क्यों कहते हैं जिसने लास्ट टाइम यूज किया था उसी का कसूर है, उन्हें कोई खराब हो जाए?
सारे घर में ऐसे ही होता है कि पहले के टैग उस पे आ गया था जिसने क्लास में पकड़ी हो, उसका नाम आ जाता है कि भाई तूने ही कुछ किया था। ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। सही हो गया, अपना मजेदार सा कोई एक मुझे बचपन का किस्सा सुना दे, उसके साथ हम वाइंड अप करें। छोटी होती मैं बहुत शरारती करती थी, यानी कि जब मामा वगैरह बैठ जाते, एक दफा मैंने अपनी मामा से बोला कि आओ मैं आपकी पैकिंग करती, छोटी होती थी। हाँ, तो मामा ने कहा नहीं करवानी। मैंने फोन मारा मामा का ना, और आईब्रो उड़ गया, आईब्रो उड़ गया। अल्लाह अकबर, कितनी देखो ये तो तेज बच्ची है। नहीं छोटी होती थी लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता। सही है, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हैं। कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं बस, अगर मतलबी डे होता, जैसे रोज डे होता है, चॉकलेट डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, अलग अलग डे होते हैं, फ्रेंडशिप डे होता है, मतलब अगर मतलबी डे होता आप किसको टैग करती? किसी को भी। चलिए ठीक है, जो अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। तो कभी कोई लड़के ने आपको कभी प्रपोज नहीं किया? कॉलेज में बहुत लड़कियों ने किया, जैसे लड़कियों ने किया है। अब यूनिवर्सिटी हमारी भाभी बन जाओ यार, प्लीज हम रिश्ता भेजे। यार ये क्या कैसा लड़का चाहिए आप? रिच हो, अगर प्यारा बहुत ज्यादा हो और अमीर ना हो। नहीं मुझे प्यारे लड़के वैसे भी नहीं इतने पसंद, रिच होने चाहिए। कैसे हो सकता है? और वो सारा का सारा कैसे हो सकता है? आपसे मिलने के बाद भी उदासी खत्म नहीं होती। अब आप ही बता दें कि आपके बिना गुजारा कैसे हो सकता है। एक क्यूट सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। क्या नाम है आपका? वही राना। वही राना? हाँ, वही जो नाजिल हुई है। नाजिल हुई थी वही वाली वाली वही सॉरी नाइस वही। थोड़ा सा आप ना कैमरा की तरफ देखें, ये बड़ा चुन के नाम रखा है अम्मा अब्बा ने आपका। जी मम्मा ने रखा है मेरा नाम। तो पूछा नहीं था कि क्या सोच के रखा था? बस मम्मा को शुरू से पसंद थे नाम। अच्छा अच्छा जी। और बहन भाई कितने आपके? हम चार बहन भाई हैं, दो सिस्टर और दो ब्रदर। एक सिस्टर मैरिड है मेरी और ये है। अच्छा तेरी ये है। और दो और दो भाई है। वो कमा रहे हैं? जी वो कमा रहे हैं। सबके नाम क्या क्या है? जो एक भाई का नाम साजिद, छोटे का नाम माजिद, मेरा नाम वही, बड़ी का नाम दुआ। दुआ, ये सारा वो चल रहा है, दुआ वही नाजिल हुई। क्या बात है भाई, बड़े मजेदार से नाम रखे हुए हैं। अच्छा वही क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ बीकॉम ईडीसी। आगे बिजनेस का इरादा है या बैंक में जॉब का? इंशाल्लाह जॉब प्लान बना फिर आगे, अभी तो स्टडी कर रही हूँ। फिर स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो वही आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैं बस खुश रहना। खुश कैसे रह लेते हैं आज की इतने टेंस माहौल में? मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो ये फेस्टिवल की वजह से हम लाहौर आए हैं, वैसे मेरा मतलब स्पेशली फॉर दिस फेस्टिवल। यस। और बस यहाँ इंजॉय कर रहे हैं।